आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं ONGC स्टॉक के बारे में और साथ में ही गेल स्टॉक को डिस्कस करेंगे। ONGC स्टॉक को देखें तो पिछले 6 डेज से ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है और अराउंड 120 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पर्सनली मेरा व्यू ओवरऑल मार्केट को लेकर के, चूंकि फेड मीटिंग होनी है तो थोड़ा बहुत जो है व्यू कंसोलिडेट दिख सकता है। अगर डेली टाइम फ्रेम में आप ONGC स्टॉक को देखेंगे तो कंटिन्यूस लोअर हाई लोअर लो के ट्रेंड को फॉलो करते हुए दिख रहा है और 120 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इस समय लॉन्ग करने से बचे, 120 के आसपास के प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 158 और 160 तक का टारगेट विद इन मैक्सिमम 1 to 2 मंथ के ड्यूरेशन में दिख सकता है। शॉर्ट टर्म में बाइंग करने से बचना चाहिए। दूसरा स्टॉक आप देखेंगे तो दूसरा स्टॉक है गेल। चूंकि इस स्टॉक में बोनस 1:2 के रेशियो में आते हुए दिखा है और गेल स्टॉक को हमने अराउंड 132 के प्राइस पे, जो लास्ट ONGC के वीडियो हैं उसमें हमने आपको रिकमेंड करा था, इस समय देखेंगे तो प्राइस 147 पे ट्रेड हो रहा है। गेल स्टॉक में जो मेरा टारगेट है 160 तक के टारगेट दिख सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 135।